टीके आर्ट्स एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, कई जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, उनके आंसर दूंगी और कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे किसी व्यूवर्स ने पूछा था कि जब हम बॉर्डर बनाते हैं तो हम जो, जैसे मैंने ये बॉर्डर बनाया है, जैसे आप चाहें अगर ये किनारे पर बनाना है, आपको ऐसे किनारे पर बनाना है, तो उसके ऊपर हम कपड़ा कैसे लगाएं? हम इस तरह जो जहाँ पर हमने ये बॉर्डर बनाना है, वैसे तो मैंने ये बॉर्डर बनाया हुआ है, अगर आप कोई बॉर्डर बनाना चाहें जिसके नीचे यहाँ कपड़े पर जगह ना हो फ्रेम लगाने के लिए, तो आप ऐसे एक कपड़ा ले, कोई भी कपड़ा ले लीजिए और उस कपड़े को ऐसे ऊपर रख लीजिए, ऐसे इसके ऊपर रख के और इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। इसी मशीन से ही हम सिलाई लगा देंगे, इसी धागे से ही ऊपर ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे पकड़ के और यहाँ पर ऐसे रख के हम ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम कपड़ा लगा लेंगे। और इसमें इस तरह फ्रेंड्स हम इस तरफ भी कपड़ा लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह रखकर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर इस तरह भी सिलाई रख करके भी लगा सकते हैं। अगर आपको स्लिप्स पर एम्ब्रॉयडरी करनी है तो हम इस तरह भी कपड़ा लगा सकते हैं, ये देखिए। आप इस तरह भी कपड़ा लगा सकते हैं, जैसे आपको साइड में अगर एम्ब्रॉयडरी करनी हो, यहाँ कोई बॉर्डर बनाना हो यहाँ पर, तो आप ऐसे यहाँ पर कपड़ा लगाओ तो आप इस तरह से दोनों साइड से इस तरह कपड़ा लगा सकते हैं। यहाँ देखिए ऐसे फ्रेंड्स, आप ये नीचे वाला कपड़ा नहीं मोड़ेंगे, मैंने तो आपको बताने के लिए ऐसे फोल्ड करके मैंने ये दिखाया कि बॉर्डर के एकदम किनारे पे कपड़ा कैसे लगाते हैं। मेरे व्यूवर्स ने मेरे से पूछा था कि जो हमारा जो कपड़ा है वो छिज सा जा रहा है, कपड़े अगर आप जब फ्रेम लगाते हैं आपको यहाँ साइडों से नहीं खींचिए, यहाँ पर ये तो कॉटन का कपड़ा है, इसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो हमारे सिंथेटिक कपड़े होते हैं, जैसे क्रेप वगैरह का कोई सिल्क का कोई कपड़ा सिंथेटिक होता है, तो हम उसको यहाँ कोनों से खींचते हैं। ये देखिए, ये जो कॉर्नर है हम इसको यहाँ से खींचते हैं ऐसे, और इस तरफ से ऐसे हम किनारों से खींचेंगे, यहाँ से नहीं खींचेंगे। जिस तरफ ये हमारा ये फ्रेम इस साइड से, हम यहाँ से नहीं खींचेंगे, हम कॉर्नर से खींचेंगे सारे। जब हम कॉर्नर से खींचते हैं तो ये हमारा कपड़ा जो है वो खींचता नहीं है। ये देखिए, आप इसको जितना मर्जी खींचे ये कपड़ा खींचेगा। और किसी व्यूअर्स ने मेरे से बोला था कि हमारा जो कपड़ा है वो एम्ब्रॉयडरी करते के साइन फटता है या खींचता है, उससे उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये जो मिडल होती है इसका जो ये पॉइंट होता है ये भूर जाता है थोड़ा सा। कई बार ही हमारी जो बॉबिन होती है, बॉबिन में लगकर ये जो हमारी ये इसके किनारे हैं वो भुरने से लग जाते हैं, उसकी वजह से हमारे कपड़े में खींचाव आने लगता है, हमारा कपड़ा खींचने लगता है। अगर हमारी, आप चेक करके देख लीजिए, देखिए अगर हमारी सुई इसमें कपड़े में देखिए आसानी से जा रही है, इसका मतलब हमारी सुई ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी सुई में कोई ऐसे नोक अगर भुर गई हो तो आप उस नीडल को, आप उस सुई को चेंज कर लीजिए। उस हम ये सिलाई लगाते हैं उसके लिए अलग धागा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो सिल्की धागे एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ करते हैं आप उसी धागे से ही ये सिलाई कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास ये, मैंने जो सिल्की धागा लगाया हुआ था मैंने उसी से ही सिलाई कर दी है और उसी से ही हम एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं। अभी आप एम्ब्रॉयडरी शुरू करें तो आप मशीन में ऑयल ज़रूर डाल लें। इसकी वीडियो भी मैंने
सारी जो वो बनाई हुई है आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। और भी जो कोई मशीन की प्रॉब्लम है उसकी वीडियोस भी मैंने डाली हुई है, वो भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख लेना या आप वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, मेरे किसी व्यूवर्स ने पूछा था कि जो हमारी जो हम ये फ्रेम है उसको हम कैसे हिलाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप कूनियों को ऐसे ऊपर रखें और फ्रेम को ऐसे ऐसे पकड़ें, और जब हम मशीन में एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर कोई फ्लावर बनाना है ये इसको घुमाना है। पहले तो फ्रेंड्स आप ऐसे ऐसे पकड़कर और इस तरह हम फ्रेम को ऐसे ऐसे हिलाते हैं। जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं हम फ्रेम को ऐसे ऐसे हिलाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमने कहीं अगर गोल घुमाना हो, ये देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए उंगलियों को नहीं हिलाएंगे हम, सिर्फ हाथों को हिलाएंगे ऐसे। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे किसी व्यूवर्स ने क्वेश्चन किया था कि हम जो यहाँ पर धागा भरते हैं उसको कैसे भरते हैं। पहले हम अगर आपको रील से धागा भरना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे, ये देखिए इस साइड होना चाहिए ताकि आराम से भरा जा सके, ताकि हम धागे को बड़े आराम से भर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ पर हमारे जो मशीन पे एक रबड़ लगा होता है, हम वहाँ से धागा भरते हैं और जो बॉबिन को हम यहाँ पर लगाते हैं। जैसे हम धागा लगाकर, ये देखिए हम धागे को ऐसे लगाकर थोड़ा सा हाथ से भर के तो हम यहाँ बॉबिन पे लगाते हैं। यहाँ पर बॉबिन हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कट बने हुए हैं, यहाँ पर बॉबिन के बीच में यहाँ पर जो ये कट बने हुए हैं, ये कट को हम इसके बीच में यहाँ पर भी एक बना हुआ है पिन सी, हम उसमें फिक्स कर देते हैं ऐसे ऐसे करके अच्छे से फिक्स कर देते हैं। और यहाँ नीचे गोल चक्कर सा बना हुआ है, इसमें हम धागे को ऐसे फंसा देते हैं और इसको यहाँ पर दबाकर और हम धागा यहाँ से भर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर मशीन पे जो ये यहाँ पर रबड़ मेरा टूटा हुआ है, इसलिए मैं ये धागा यहाँ पर नहीं भरती हूँ। हम इसको व्हील के ऊपर रख के स्क्रू ड्राइवर में पेचकस में डाल के और हम इसके ऊपर रख के भरेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर मशीन को ऑन की इस चक्कर को थोड़ा घुमाएं, थोड़ी धीरे धीरे मशीन चलाएं और इस तरह धीरे धीरे मशीन चलाएं और यहाँ पर इसके ऊपर पेचकस को थोड़ा सा टाइट रखें, जो स्क्रू ड्राइवर है उसको थोड़ा टाइट रखें और थोड़ा मशीन को तेज कर लें और ये धागा हमारा टाइट बनना चाहिए। ये देखिए धागा हमें लूज नहीं भरेंगे, ये हमारा धागा हम यहाँ पर टाइट भरेंगे। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर हम एम्ब्रॉयडरी के लिए ज़्यादातर हम नीचे कॉटन का धागा यूज़ करते हैं तो वो हमारा इस तरह कोन में आता है, बड़े कोन में आता है ऐसे। कोन से हम धागा भरने के लिए फ्रेंड्स हम इसको नीचे ज़मीन पर रख देते हैं और उसका धागा जो यहाँ पर ऊपर जो इस तरह हम ऊपर रख के ये धागे को हम ऊपर रख के भरते हैं ऐसे। ये देखिए कोन को हम नीचे रख लेते हैं और हम ऊपर धागे को उसी तरह व्हील पे रख के स्क्रू ड्राइवर में डालकर उसी तरह भरते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम बॉबिन में ये धागा इस तरह पहले थोड़ा हम हाथ से लपेट लेंगे ऐसे 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 लपेट लेंगे और इसको फिर हम इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल देंगे, इसमें ऐसे इस तरह स्क्रू ड्राइवर में डाल के और मशीन को ऑन करेंगे और इस व्हील को थोड़ी मशीन को हम तेज चलाएंगे, दबा के रखेंगे और मशीन को भी तेज चलाएंगे, पेचकस को स्क्रू ड्राइवर को थोड़ा दबा के रखेंगे। ये देखिए इस तरह ये धागा ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे हम, थोड़ा कम ही भरेंगे
ताकि हमारी एम्ब्रॉयडरी अच्छे से आए।